पेरिस ओलंपिक 2024 की इख्तितामी तकरीब को चार चांद लगाने वाले हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज ने अपनी जानदार परफॉर्मेंस का कितना मुआवजा लिया, इस हवाले से रिपोर्ट सामने आ गई। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस ओलंपिक्स LA 28 की सदर और चेयरपर्सन केसी वॉसरमैन ने 62 साल अदाकार टॉम क्रूज की खतरनाक स्टंट से मुतालिक अहम इंकशाफ किया है। याद रहे कि 12 अगस्त को होने वाले पेरिस ओलंपिक 2024 की इख्तितामी तकरीब में एक्शन स्टार ने फ्रांस के नेशनल स्टेडियम की छत से छलांग लगाकर ओलंपिक का झंडा वसूल किया और ओलंपिक के अगले मेज़बान अमरीकी शहर लॉस एंजलिस ये झंडा पहुंचाया। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज़ में ख़तरनाक स्टंट परफॉर्म करके दुनिया भर में शोहरत हासिल करने वाले अदाकार ने ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में 50 मीटर की बुलंदी से छलांग लगाई और स्टेडियम में मौजूद शायकीन की तवज्जो हासिल की। अदाकार स्टेज पर पहुँचे जहाँ इन्होंने लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बॉस से मुसाफिया करने के बाद ओलंपिक का झंडा वसूल किया और इसे लेकर बाइक पर स्टेडियम से बाहर निकल गए। पहले से रिकॉर्ड की गई वीडियो में इन्हें स्काई डाइविंग करते हुए देखा जा सकता है। टॉम क्रूज स्काई डाइविंग करते हुए ओलंपिक के अगले मेजबान लॉस एंजलिस के तारीखी मकाम हॉलीवुड पहुंचे। लॉस एंजलिस ओलंपिक LA 28 की सदर और चेयरपर्सन केसी वॉसरमैन ने इंकशाफ किया कि कई हफ्तों की मेहनत, रिहर्सल्स और ख़तरनाक स्टंट की फाइनल परफॉर्मेंस के लिए टॉम क्रूज और इनकी टीम ने कोई मुआवजा नहीं लिया। इन्होंने ये परफॉर्मेंस बिला मुआवजा सरंजाम दी।